सिक्योरिटी अपीलन ट्रिब्यूनल यानी SAT ने मार्केट रेगुलेटर SEBI के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने फ्यूचर ग्रुप के किशोर बयानी को सिक्योरिटी मार्केट से 1 साल तक दूर रहने का आदेश दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि मार्च 2017 में फ्यूचर रिटेल के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग करने की वजह से किशोर बयानी के खिलाफ SEBI ने फैसला लिया है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर को 11 करोड़ रुपए वापस चुकाने को कहा है। ट्रिब्यूनल में फ्यूचर ग्रुप के वकील ने कहा कि 2016 से ही कंपनी के होम फाइनेंशियल बिजनेस के बारे में लोगों को पता था। वकील ने ये भी कहा कि फ्यूचर ग्रुप के होम फाइनेंशियल बिजनेस की रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में 2016 से सब जानते थे। इसमें फ्यूचर रिटेल के फिजिकल स्टोर और ऑनलाइन स्टोर फॉर्मेट को अलग अलग कंपनियों में बांट दिया गया था। फ्यूचर ग्रुप के वकील सोमशेखर सुदर्शन ने दलील दी कि रिस्ट्रक्चरिंग की शुरुआत असल में अप्रैल 2017 में हुई थी, वही खरीदी धीरे धीरे मार्च में हुई थी। सुदर्शन ने SEBI की एक पुरानी सुनवाई का हवाला देते हुए बताया कि एक अधिकारी ने भारतीय एयरटेल को इस आधार पर बरी कर दिया कि अखबारों में छपी जानकारी को सार्वजनिक माना जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट फ्यूचर ग्रुप को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।